हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है चंडीगढ़ में। जो आए हैं या जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता ही है, जो चंडीगढ़ नहीं आए हैं उनके लिए एक ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा स्पेशल होगा। तो आज हम आए हैं रॉक गार्डन, जो कि एक काफ़ी फेमस जगह है चंडीगढ़ की और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है चंडीगढ़ की। तो आओ दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं यहाँ पे रॉक गार्डन की सैर कराते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। क्या हो रहा है भाई, किस चीज का? चमक तो जाएंगे यहाँ पे। अब हम एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे खड़े हैं, सिक्योरिटी फुल चल रही है यहाँ पे। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं यार। दो बंदों का फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। यहाँ पे जो तटाई करे जा रहे हैं, ये देखो ये जो होल्डर वगैरह होते हैं बिजली के, जो वेस्ट हो जाते हैं उनसे बनाया गया ये। ये देखो हर चीज़ जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल करके यहाँ पे बनाया गया। ये देखो ये भी जो ड्रम वगैरह होते हैं, ड्रम की शेप में आई थिंक जो सीमेंट वगैरह रख के उसको बाद उसकी जो सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो काफ़ी अच्छा। ये भी पानी भरने की जगह है, ब्यूटीफुल जगह। ये सबसे पहला रूम था जहाँ पे जो जिसने बनाया था ये नेक चंद, तो उसने ये सबसे पहला रूम था जहाँ से स्टार्ट किया था ये बनाना। बेटू कैसा है ये, मजा आ रहा है? हाँ कैसे है ना, ये पत्थर पत्थर से बीच में, हम कैसे बीच बीच में से जा रहे हैं इसके। दो पानी देखो, पटो पानी देखो कैसा अंधेरा सा आ गया। ये फिर से आ गया हम यहाँ पे, जो यहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल बना हुआ है ये पूरा, देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू बनाया हुआ है। बेटू कहाँ है, क्या कर रहा है? हम घूमने आए रॉक गार्डन। दिखा दो, बेटू क्या मिल गया आपको, क्या लेके आए हो वहाँ से, क्या लिया आपने, क्या ये दिखा दो। मम्मा ने दिया है। सांस फूल चढ़ गई बेटू, आप भी बहुत आगे चलना है। किसी की सैंडल तोड़ दो। यहाँ पे खुफिया दरवाजा है, वो भाई हिल रहा है, हिल रहा है। कोई हो सकता है, रात को निकलते हैं यहाँ से बंदे।
ज़ॉम्बीज चलता था पहले यहाँ पे पानी, अब इन्होंने बंद कर दिया शायद यहाँ से। कुछ बह तो रहा है उससे, देखिए थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा है चल रहा। कीप कीप द गार्डन क्लीन, इट्स योर प्रॉपर्टी, डो नॉट क्लाइंब ऑन द वॉल्स। 100 रुपये बेटू जी, बैग ले लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, एक्सरसाइज वाले बंदर हम। ये हम घूम के वहीं से आ गए, पूरा चक्कर लगा के वही वाला व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो ये जहाँ पे अभी हम पिक्स वगैरह खिंचा रहे थे, क्लिक कर रहे थे, ये वहीं से हम ऊपर से घूम के उसी एरिया पे आ गए। लेकिन अब ये रास्ता दूसरी साइड को जाएगा। ये देखो ये सांप से, सांप की शेप के बनाए उन्होंने जड़े पेड़ की। ऊपर किसी का बैग रखा हुआ यहाँ पे, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। यहाँ पे अब हम थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, पसीने, ह्यूमिडिटी काफ़ी, आज गर्मी इतनी नहीं है, धूप नहीं निकली लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी है, तो उसकी वजह से पसीना काफ़ी निकल रहा है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं कि काफ़ी दूर में ये फैला हुआ है पार्क, तो अब धीरे धीरे हम उसको कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी भी काफ़ी पड़ा हुआ है, मैं तो आया हूँ काफ़ी पहले, लेकिन अभी मनु फर्स्ट टाइम आया है। आपको वैसे कुछ याद नहीं रहेगा अगर मैं आपसे पूछूंगा। चलो अब आगे दिखाते हैं आगे क्या कुछ है। बड़ा छोटा सा रास्ता, ये रुक के जाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उस पर ऐसे झुक के निकलना पड़ता है। तो अभी चलते जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे वही जो होल्डर्स वगैरह हमें कुछ दिखाता, जो वेस्टेज है सब कुछ वही, ये इधर उधर के छोटे मोटे पत्थर उठा के कुछ भी जो रिसाइकल हो सकता है सबको यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरती से यहाँ पे सजाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे एक काफ़ी जो रॉक गार्डन का मशहूर है, ये एक वेल है यहाँ पे, विशिंग वेल भी बोलते हैं इसको। और इसमें देखो अगर आपको दिखेगा ध्यान से, तो इसमें बीच में जाके एक ये सर्कल सा बना हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, तो इसमें कहते हैं कि अगर इसके बीच में सिक्का जाए तो आपकी जो भी विश आपने मांगी है वो पूरी हो जाती है। आपको याद आया हमने भी अपनी शादी के लिए मांगी थी पहले, जब हम आए थे शादी से पहले। हाँ मांगा था तो हम, मेरा कॉइन सीधा अंदर गया था, तो हमारी विश पूरी हो गया, आज हमारी बेटी एक। मैंने एक बार बचपन में में मांगी थी विश की मुझे साइकिल मिल जाए, तो मुझे मिली। एक वीक के बाद साइकिल मिल गई थी, मिली तो थी? काफी जो जो मांगा है मिला है, देखा ट्राई किया हुआ और ट्राई करके देख रहे हैं अभी। तो अब हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं वन बाय वन, देखते हैं किसका कॉइन जाता है बीच में। तो बीच पहले में कर रही बीच में, वो जो होल दिख रहा है ना बीच में जहाँ पे 4-5 सिक्के गिरे हुए इकट्ठे, वो उसमें। तो अभी प्रीति फर्स्ट ट्राई कर रही है, तो देखते हैं। रुको पहले उसको विश कर दे दो। नहीं यहाँ पे कैंसिल हो गया अभी टर्न, यहाँ पे भाई साहब कर रहे हैं भाई, बस ऐसे तो लंबी विश मांगनी है, विश मांगनी है बड़ी, बुला दिया आपने बीच में, विश कहाँ पहुंचा था मैं। चलो चलो चलो, बीएमडब्ल्यू हो जाए, अच्छा सा फ्लैट हो जाए। ओह मिस्ड इट, मिस हो गया भाई, मिस हो गया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगी, कोई नहीं। अब प्रीति ये मांग लो जो पंकज ने मांगी थी वो हो जाए, पूरी हो जाए। चलो वो तो फैमिली विश, बस जाएगा जाएगा जाएगा, ये ओ चला गया भी, चला गया चला गया चला गया भी। लेट मी ट्राई, अभी देखो तीसरे कैंडिडेट आ चुके हैं यहाँ पे। दिल से मांग गई रिश्ती है, अंदर चला गया। ओ गया ये भी गया भाई, ये भी गया। अब मेरी टर्न है,
एक्सपीरियंस प्लेयर। दूर से फेंको यार, बड़े ऊपर से फेंक रहे हो आप। गया नहीं? गया तो कहाँ गया वो? वो रॉस के बराबर में लग गया। मेरे वाले बराबर में यार, हम दोनों ने एक जैसी मांगी होगी मेरे को लग रहा है। कुछ बिजनेस की ही मांगी होगी आप लोगों ने। तो यहाँ पे दो लोग हैं जिनकी विश पूरी हुई है, देखते हैं क्या विश मांगी है, वो बताएंगे नहीं, वैसे सीक्रेट है। एक और कर लो प्रीति, और ज्यादा का लालच मत करो भाई। जो मेरे पति ने मांगी थी पूरी हो जाकर। हाँ, आप पति के लिए। नर्वस होएगी अभी, अब नहीं जाएगा। जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। गया भाई, गया। हो गए भाई, प्रो प्रो खिलाड़ी मिल चुके हैं हमें यहाँ पे। गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे, यहाँ से एग्जिट है लेफ्ट साइड में, और ये है डोल म्यूजियम वगैरह फेस थ्री है, जो ये नया, मतलब पहले नहीं था जब नया बना था रॉक गार्डन, तो ये सबसे लास्ट में जो फेस थ्री बना था, तो वहाँ पे लेके चलते हैं। डोल म्यूजियम भी वहाँ पे नया ऐड किया है वहाँ पे, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। क्या चीज? पंकज कुमार लेके गया। आई लव यू। वो पीछे वाले भी पंकज कुमार ही आ रहे हैं। मैं इनको पूछ रही हूँ भाई साहब, ये कौन लिख के गया आपके लिए? अलग अलग नाम लिखे हुए यहाँ पे बंदों ने। एक और झरना है यहाँ पे, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे पहले एक टाइम पे बोटिंग भी स्टार्ट करी थी रॉक गार्डन वालों ने, लेकिन शायद उसके बाद कुछ यहाँ पे हादसा हो गया था, कोई बच्चा शायद गिर गया था इसमें पानी में, तो उसके बाद से यहाँ पे बंद कर दी उन्होंने बोटिंग। वो फिर से मेरे पास आ चुका है, और अभी यहाँ पे गोदी में ऐसा चलता जा रहा है। ये सबसे बड़ा रॉक गार्डन का सबसे बड़ा वाला वाटरफॉल है, ये देखो काफ़ी हाइट है इसकी, करीबन 3 मंजिल या 4 मंजिल जितनी हाइट होगी इसकी, और उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि प्रॉपर जो झरने वगैरह की आवाज़ आती है वैसे। तो देखो ये जो मैं आपको डालता हूँ, उसकी वजह से यहाँ पे आप वार्निंग भी लगा दी है कि पानी के अंदर कूदना, तैरना, फ़ोटो खींचना या खिंचवाना मना है, कि पहले ऐसा हो चुका है एक बार, तो शायद ये आगे कुछ ना हो ऐसा इसके लिए बचने के लिए। यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, पीछे फोटो सेशन चल रहा है। एक एरिया है जहाँ पे लेज़र एंड साउंड शो होता है, लेज़र एंड साउंड शो होता है यहाँ पे। आई थिंक ये चल नहीं रहा है, ये वैसे कभी कभी यहाँ पे शायद होता है ये, वैसे इन्होंने ये बंद ही किया हुआ, शायद मे बी वीकेंड वगैरह पे होता होगा यहाँ पे, लेकिन मोस्टली ये बंद ही होता है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर वगैरह भी लगे हुए, और यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, सेटिंग वगैरह का है यहाँ पे, लेकिन ये मोस्टली बंद ही रहता है। यहाँ पे कुछ नहीं है ये, हाँ उधर को जाना है, ये तो वो लेज़र शो का है यहाँ पे, लेकिन अब नहीं होता, ये वीकेंड तो शायद होता है। लोगों को यहाँ पे नींद आ रही है, ये देखो आंखें बंद होती जा रही है मम्मी की। मैं पूछ रहा था ये अंदर है, हो गया। ये देखो, ये देखो, ये शो हो गया, बोर हो रहा मन्नू यहाँ पे, देख सकते हो यहाँ पे जैसे बोरी वगैरह की शेप वगैरह में, जैसे इन्होंने सीमेंट वगैरह पे फिर इन्होंने बोरी वगैरह लगाई होगी और उसके बाद ही हटा दी, तो उसी की शेप आई हुई है यहाँ पे, देखो पूरी ऊपर तक है, काफ़ी हाइट तक, ये सारी उसी शेप में, जो बोरी की शेप में आपको बता रहा था मैं, उसी शेप में सारा ये बनाया हुआ है। हाँ ये ले लो भाई। यहाँ पे इसके अंदर फिश वगैरह रखी हूँ काफ़ी अलग अलग टाइप की, और उसके बाद लाफिंग मिरर्स भी हैं यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे फिश वगैरह, यहाँ पे थोड़ा पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो इतना क्लियर दिखेगा नहीं,
लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। और ऊपर ये सारी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई उन्होंने इसके बारे में। ये देखिए फ्रेश, हाँ हाँ चलते हैं, चलो इधर को। वो लाफिंग मिरर्स अच्छा है, उधर आ जाओ। ये सामने ये लाफिंग मिरर लिखा हुआ। ये वो कैसा बन गया मैं। हाइट लंबी होगी, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। इसमें भी कुछ, इसमें तो मुँह ही गायब हो गया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वैसे ही है सेम। बड़ा नया इन्होंने स्टार्ट किया डोल हाउस, तो वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे जो काइट्स वगैरह ये करी हुई है, ऊंट वगैरह हल बनाए हुए। ये ठंडा बताऊँ क्यों लग रहा है? नहीं, ये जो मिट्टी एसी तो है ही, वैसे भी जो ये मिट्टी से बनाया हो ना दीवारें वगैरह, देख रही है ये दीवारें, वो दीवारें पीछे की, तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा है। ये एक स्कूल का बनाया हुआ है ये शायद, हाँ स्कूल का। ये तख्ती वगैरह लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक लेडी यहाँ पे अपने बच्चे को अंदर लेके बैठी हुई है। ये पहले बड़ा होता था, मसाले कूटे जाते थे। और यहाँ पे इन्होंने स्कैन बार लगाया है कि अगर आपको डिटेल वगैरह में इस पर चेक करना है तो आप इसको स्कैन करो और सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी। ये यहाँ पे मेले का बनाया हुआ है, चूड़ी चूड़ी वाली चूड़ी बेच रही है यहाँ पे। एसी लगा भाई अंदर, ये देखो अंदर चूड़ी वाले की दुकान में बाहर से छुपाए हुए। हाँ काफ़ी सारे एसी लगे हैं यहाँ पे। डोनट्स, ये एक और सेठ जी यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है भाई, ये किस चीज़ की दुकान है? ये चरखा चलाया जा रहा है। ये क्या है? ये आंटी का घर है भाई। यहाँ पे आंटी है बाहर, यहाँ पे आंगन में बैठी है। यहाँ पे भैंस भी उधर, ये देखो भैंस, मटरू दूध भी दे रही है भैंस, दूध बछड़ा है यहाँ पे। बछड़ी की हाइट अच्छी है, भैंस की लेंथ भी अच्छी है। देखो भैंस के सींग देखो कैसे, वो यमराज वाला ठंड लग रहा है। अलग ही टाइप का मोर, ये जैसे हम स्कूल में बनाते थे भाई, बतख बनानी है ऐसे बना देते थे। वो आ चुका है भाई यहाँ पे। ये अभी यहाँ से लोटी हैं पानी के मटके लेके, पानी यहाँ से अभी इन्होंने भरा। ये बाकी यहाँ पे पानी भर रही है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर LED लाइटें लगी हैं। वैसे पानी है इसके अंदर, वैसे काल्पनिक पानी है। यहाँ पे एक शादी हो रही है, देखो यहाँ पे बारात आई हुई है, डोली यहाँ पे, दूल्हा बैठा हुआ भाई यहाँ पे, अपना झुका हुआ थोड़ा आगे को, पीपल का पेड़ की वो है यहाँ पे, दूल्हे पे थोड़ा सा। तो ये देखो ये सेट हो गया, क्या कर रहा है भाई ये, दारू से ज्यादा पी के सेट हो गए घोड़े के साथ ही, घोड़ा भैंस ज्यादा लग रहा है। ये देखो पीछे डोली है भाई, विदाई हो रही है, दुल्हन थोड़ी छोटी लग रही है भाई। ये पीछे देखो बराती कितने हाइट के लंबे, बाल भी वाए है। ये यहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हैं भाई तपस्या करते हुए। यहाँ पे ये गुरुकुल बनाया हुआ है, एक टाइप से गुरुकुल बनाया हुआ है। गुरुकुल में शिक्षा मिल रही है बच्चों को। एक बच्चे वो बंक मार के वो देखो भाई एक ये देखो बच्चा काफी दाढ़ी मूछ आई हुई बच्चे की। ये अंदर मंदिर है शायद ये बनाया हुआ है।
ये गुस्से पाथियाँ ये ईंधन के काम में आती हैं गांव में। ये है हाँ हल हल लगा के खेती बाड़ी बैला लगी टाइप का भाई बकरी जैसे मूंग है। ये यहाँ पे गुग्गा माड़ी का बनाया उन्होंने। ये क्या हो रहा है भाई? गुग्गा माड़ी के मंदिर से होते हैं। व्हाट इज गुग्गा माड़ी? ये जो छोटे छोटे से बनाया हुआ ना ये इसकी वर्शिप वगैरह करते हैं इसका। ये जो छोटे बच्चों वगैरह का होता है और जो थर्सडे को एक जगह होती है यहाँ पे हरियाणा में काफ़ी होती है ये गुग्गा माड़ी का ना, यहाँ पे गुलगुले वगैरह और मीठी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये बकरियाँ वही हैं, ये मुनि मुनि की बकरियाँ हैं ये जो सोच रहा था मालगुड़ी डेज वाला। ये देखो काफ़ी पूरा ये खुला एरिया है। यहाँ पे पहले जितने भी आपको ये गेट से दिख रहे हैं इसमें सब में झूले लगे होते हैं। ये झूले लगे तो हुए हैं अभी भी लेकिन ये ऊपर को टांग दिए गए हैं। ये शायद कोरोना की वजह से लोग एक ही झूले को यूज़ करते होंगे बार बार और हाथ लगाते होंगे तो इसलिए ये शायद हटा दिया इन्होंने, यहाँ पे ऊपर को कर दिए। ये देखो मुझे पहले लगा ये कोई स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है इन्होंने कि जैसे हम पहले देखते आ रहे थे कि भी जैसे इन्होंने सारे बनाए हुए स्ट्रक्चर्स क्लप्चर्स वगैरह बनाए हुए, तो आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअल में है क्या। ये एक्चुअल में है डस्टबिन, इसके पीछे ये बकेट से बनाई है और ये डस्टबिन बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, यूनिक सा डिज़ाइन बनाया हुआ डस्टबिन का। यहाँ पे एक पूरा देखो यहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पे वीकेंड्स पे काफ़ी बार, मतलब अभी लॉकडाउन के बाद तो पता नहीं मुझे लेकिन लॉकडाउन से पहले यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होती थी, बैंड्स वगैरह आते थे या सिंगर वगैरह आते थे तो काफ़ी प्रोग्राम होते थे यहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो अभी शायद बंद है ये। ये देखो यहाँ से अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं बाहर की तरफ। बालू की शेप यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है तो लोग यहाँ पे इस पे चढ़ जाते थे ऊपर जाके, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे मिरर लगा दिया, कांच लगा हुए यहाँ पे। देखो भाई मन्नू देखो चूड़ियों से, देखो मन्नू चूड़ियों से बने मोर हैं, देखो ये देखो कितने सारे, उस साइड को भी देखो ये भी सारे चूड़ियों से बने हुए हैं। इधर देखो ये पूरे सेना सेना खड़ी है, आर्मी। आपने मोर देखा? ये देखो आपके पीछे मोर है, मोर चूड़ियों से बना हुआ मोर, देखो बेटू। हाँ नहीं देखो भाई यहाँ पे देखो पीछे ट्यूबलाइट है, सारी फ्यूज ट्यूबलाइट लगाई है। ये भाई क्या कर रहा है घोड़े पे? अंग्रेज है ये, अंग्रेज अंग्रेज टीपू सुल्तान। यहीं से है, सीधा सीधा चलते जाओ, यहीं से बाहर बस आने वाला है, थोड़ा सा रह गया। ये देखो भाई हाथ कितने बड़े इसके। यहाँ से ये लास्ट, हाँ 30 की थी ये, यहाँ से एग्जिट गेट है। ये देखो छोटे 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 बच्चे से देखो अपना सिर बचाए। और यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एंड हो गया भाई। फिनिश हो गया फिनिश। अभी हम यहाँ पे पी रहे हैं सोडा, सोडा बन रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुके हम। जो उस कैंटीन थी वो कैंटीन का शायद टाइम ख़त्म हो चुका था तब हम पहुँचे, तो वहाँ पे हमें पानी नहीं मिला तो अभी बस बाहर आके हमें यहाँ पे मिला है। तो उसके बाद अब यहाँ से चलेंगे आगे, दिखाएंगे कहाँ पे जा रहे हैं तो दिखाते हैं आगे। बेटू देखो बेटू वो देखो उधर को ऊँट आ गया, ऊँट आ गया बेटू,
घास खाने आया वो। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं 15 सेक्टर की मार्केट में। हम रॉक गार्डन से फ्री हुए, रॉक गार्डन के बाद हमने थोड़ा बहुत खाया वहाँ पे, भेलपूरी वगैरह और सोडा वगैरह पिया, और उसके बाद भूख लगी थी सबको, तो हम 15 सेक्टर में आ गए यहाँ पे। तो अभी हमने ऑर्डर किया है वेज मोमोज, चिकन मोमोज और एक सूप। कैसा टेस्ट है? Awesome. आगे दूसरे स्टीम होमोस। तो अब हम यहाँ पे खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं 15 सेक्टर के मार्केट से एक, और अभी वाइफ मेरा थोड़ा यहाँ पे शॉपिंग वगैरह देख रही है। क्या चीज़ है ये? दिखाना तू जा यार, पता नहीं चलेगा, भाग जा बेटू। आपके लिए भैया आ जाए किसके? नहीं वो जो खाया था भैया वो।